ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे स्टूडेंट्स? एक्चुअली में उसे हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, हाइड्रोजन पोजीशन वाज नॉट क्लियर। व्हाई इट वाज नॉट क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन दो तरीके से बिहेव कर रहा था, वाज नॉट क्लियर। हाइड्रोजन दो तरीके से बिहेव कर रहा था, मेटल की तरह भी और हैलोजन्स की तरह भी, यानी कि नॉन मेटल। तो इसलिए मेंडलीव कंफ्यूज था कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हैलोजन को मैच कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल को मैच कर रही हैं। सेकेंड प्रॉब्लम मेंडलीव को ये आई कि आइसोटोप्स को कैसे अरेंज किया जाए, क्योंकि बच्चों मेंडलीव तो कैसे अरेंजमेंट कर रहा था? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ एलिमेंट्स के तो कई कई आइसोटोप्स भी होते हैं, जैसे कार्बन के, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के होते हैं, क्लोरीन के होते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स को अगर वो एटॉमिक वेट के हिसाब से रख रहा है, एटॉमिक वेट तो सबका डिफरेंट है, तो सबको एक अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी सबको अलग अलग अरेंज करने में। तो इसलिए मेंडलीव को प्रॉब्लम हो रही थी कि अब इतने सारे आइसोटोप्स कहाँ अरेंज किए जाएँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट था कि मेंडलीव को लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अरेंज करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कहाँ अरेंज किया जाए? लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल बॉटम पे दो लाइंस अलग से रखी गई हैं, तो उन्हें भी अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही थी उसे। ठीक है, देन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अरेंज करने में प्रॉब्लम आई थी। आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी, हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, तो ये सब मेंडलीव के ड्रॉबैक्स थे। एक और ड्रॉबैक था स्टूडेंट्स कि जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट कर रहा था तो वो तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कर रहा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, लेकिन उसे ये भी देखना था कि प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रहें एलिमेंट्स की, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आएँ। तो अब प्रॉपर्टीज सिमिलर करते हुए उसे क्या प्रॉब्लम आई? कुछ एलिमेंट्स हायर एटॉमिक वेट वाले स्मॉलर एटॉमिक वेट से पहले आ रहे थे, पहले आ गए स्मॉलर से, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ का अगर मैच कर रहा था तो एटॉमिक वेट में प्रॉब्लम आ रही थी, एटॉमिक वेट का ध्यान रख रहा था तो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी। तो ये कुछ जगह उसकी पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हो गई। अब नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है मॉसलेज एक्सपेरिमेंट। मॉसले के एक्सपेरिमेंट ने बच्चों ओरिजिन दिया, मॉसले के एक्सपेरिमेंट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, मॉसले के एक्सपेरिमेंट के बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है, अरेंज की गई है। क्या किया था मॉसले ने एक्सपेरिमेंट? मॉसले ने स्टूडेंट्स कई सारे एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई। बम्बार्डमेंट वर्ड यूज़ होता है बच्चों जब किसी एलिमेंट के ऊपर कुछ रेडिएशंस से स्ट्राइक करवाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बम्बार्डमेंट। तो उसने बम्बार्डमेंट कराई कैथोड रेस से, कैथोड रेस डाली एलिमेंट्स के ऊपर। तो कैथोड रेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब ये किसी एलिमेंट को स्ट्राइक करती हैं तो उस एलिमेंट में से एक्सरे प्रोड्यूस होने लगती है, तो सभी एलिमेंट्स में से एक्सरे प्रोड्यूस होने लगी। एक्सरे की फ्रिक्वेंसी मेजर की गई, फ्रिक्वेंसी, और एक ग्राफ बनाया गया। ये ग्राफ बनाया गया एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी में, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये वाली फ्रिक्वेंसी एक्सरेज की, इस टाइप का ग्राफ मिला। ये ग्राफ लीनियर ग्राफ आया, तो इससे क्या पता चल रहा था कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फ्रिक्वेंसी किसकी है? एक्सरे की।
एक्सरे कहाँ से निकल रही है? एटम के अंदर से निकल रही है। तो इसका मीनिंग ये निकला, कंक्लूजन ये निकाला गया कि एक एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर एक एटम का, या फिर आप कह सकते हैं एक एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि एक एटम के अंदर से जो एक्सरे निकल रही थी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी, तो यानी कि एटम की सारी प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पे नहीं। क्योंकि अभी तक के तो साइंटिस्ट एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, अब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ओरिजिन हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो देन केम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस में डिवाइडेड है? हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप, ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला जाता है? पीरियड्स, ठीक है। टोटल कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 7। और ग्रुप्स कितने हैं टोटल? 18, ठीक है। कुछ पीरियड्स और कुछ ग्रुप्स को कुछ पर्टिकुलर नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर नेम्स दिए गए हैं, जैसे 17th ग्रुप को हेलोजेंस बोला जाता है, 16th ग्रुप को चालकोजेंस बोला जाता है, 15th ग्रुप को निकोजेंस बोला जाता है, 1st ग्रुप को एल्कली मेटल, 2nd ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। तो ये आपको नेम्स भी याद रखने हैं कि किस किस ग्रुप का क्या पर्टिकुलर नेम है। सबके नहीं है, 1, 2, 15, 16, 17, 18 सिर्फ इनके हैं, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स अबव एटॉमिक नंबर 100, ऑफ एलिमेंट्स अबव एटॉमिक नंबर 100। देखिए नेमिंग करने का क्या तरीका है, सपोज एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 101, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे दिया जाएगा? इसके हर डिजिट के लिए एक अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा डिजिट के अकॉर्डिंग। जैसे 1 है तो 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, और अगेन 1 के लिए अन, अन निल अन, और एंडिंग होगी आई यू एम से हमेशा। तो नेम क्या हो गया? अन निल यूनियम, ये तो एंडिंग है जो सब में कॉमन रहेगी, ठीक है। अन निल यूनियम, और इसका शॉर्ट एब्रीविएशन क्या हो जाएगा? इन तीनों पार्ट्स का फर्स्ट लेटर यू एन यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 102 के लिए अन निल बाय, टू के लिए क्या आ जाएगा? बाय। और आई यू एम आता, लेकिन आई तो पहले से यहाँ पर है तो उसकी जगह बस यू एम आ जाएगा, अन निल बायम, यू एन बी। सेम वे में 103 अन निल ट्रायम, अगेन आई यहाँ पर है तो बस यू एम, यू एन टी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 104 अन निल क्वाडियम, क्यू यू ए डी, 4 के लिए क्वाडियम, आई यू एम। फिर नेक्स्ट है 105 अन निल पेंटियम, पेंट आ जाएगा 5 के लिए। 106
अनिल हेक्सियम 107, अनिल हेप्टियम 108, अनिल ऑक्टियम 109, अनिल ईनियम। ये थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, याद रखिएगा, नाइन के लिए आता है डबल ई एन, ईनियम। ओके, और इसके बाद है 110, अन नीलियम। अब नील आ गया, जीरो यहां आ गया, तो अन नीलियम। अंडरस्टूड? तो ये स्टूडेंट्स नेमिंग हो गई। अब आप इस अकॉर्डिंग किसी का भी नेम लिख सकते हैं, जैसे सपोज आपको कहा जा रहा है 117 का लिखो, अन हेप्टियम UUH, ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये हो गई नेमिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में और एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखिए पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में ये स्टार्टिंग वाले दो ग्रुप्स को तो क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक। इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग वाले दो ग्रुप तो हैं एस ब्लॉक, यहाँ वाले ये सारे ब्लॉक्स 13 से लेकर 18 तक ये हैं पी ब्लॉक। ये सेंटर वाला पोर्शन जो ये येलो वाला है 3 से लेकर 12 तक ये है डी ब्लॉक, और जो ये नीचे दो सीरीज रखी गई हैं ये हैं एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ। ये जो नीचे दो सीरीज रखी गई हैं इन्हें क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट लेंथनम है, और लेंथनम पीरियोडिक टेबल में ही है सिक्स्थ पीरियड में। लेंथनम के बाद के 14 एलिमेंट्स नीचे रखे गए हैं। सेम वे में एक्टिनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट है एक्टिनियम, ये भी यहाँ पर है सेवन्थ पीरियड में। इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें नीचे रखा गया है, और ये दोनों मिलाकर बनते हैं एफ ब्लॉक। ये जो स्टूडेंट्स एस पी डी एफ ब्लॉक में डिवीजन है ये किस बेसिस पे, ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हो गए एस पी डी एफ। ये डिवीजन स्टूडेंट्स इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है। अगर आप एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोई सा भी एलिमेंट, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर होगा, ठीक है। सेम वे में आप पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एस ब्लॉक का एक एलिमेंट 12 ले लिया, सपोज मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2, कहाँ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, एस में। पी ब्लॉक का एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, कहाँ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, पी में। सेम बात डी पे अप्लाई होगी और एफ पे। तो ये जो 4 ब्लॉक्स बने हैं ये कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और डिवीजन है पीरियोडिक टेबल का, ये तो ब्लॉक्स में डिवीजन था। 4 ग्रुप और बनाए गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नोबल गैसेस एंड इनर ट्रांजिशन। ये इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हैं। जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, ग्रुप 1, 2 और 13 से लेकर 17 तक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नोबल गैसेस 18th ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3 से लेकर 12 ग्रुप तक, और इनर ट्रांजिशन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। अंडरस्टूड? तो ये भी पीरियोडिक टेबल का एक डिवीजन है, जिसमें पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स?